अस्सलाम वालेकुम, ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। होती है वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैं एडिट करके दे कि आप उनसे काम क्यों नहीं ले रहे। तो भाई वही काम करें, मैं नहीं कर रहा, आप पहले वाला पोर्शन भी देख लिया करें जो मैं कहता होता हूं, वो आप स्किप कर देते हैं, आपको पता नहीं लगता। आज भी एक लोकेशन को हम विजिट करने आए हैं तो वहीं पर ही मैंने सोचा स्टोरी भी मैं रिकॉर्ड करूँ। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसको सुन के कुछ लम्हों के लिए मैं खुद भी ना सिर्फ अजीब सा होकर बैठ गया बल्कि मैंने कहा इस कहानी को मैं लाजमी इसलिए प्रोग्राम में शामिल करूंगा क्योंकि इस कहानी में जहां खौफ है बेइंतहा वहां पे एक मैसेज भी है। नाम मैं फर्जी रखने जा रहा हूं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, मेरी बहन है बहुत प्यारी, आज मेरी उनसे बात भी हुई है बड़ी तफसील से, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बहुत ही नाइस हैं, बहुत ही अच्छी हैं, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और लोग उनको उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं। जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, वो हकूक़ वाले बात पूरे करते हैं और अल्लाह पे छोड़ देते हैं और मखलूक अच्छे लोग उनके साथ अच्छा करते हैं और बुरे लोग बुरा। इनका फर्दी नाम मैंने रखा है फिज़ा। फिज़ा ने एक खाते पीते घर के अंदर आँख खोली, पढ़ा लिखा घराना था, वालिद एक बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पे थे, कॉलेज में वो पढ़ रही थी तो वहीं पे उनकी मुलाकात रिहान से हुई। रिहान भी एक फर्जी नाम है। और ये मुलाकातों का सिलसिला पहले दोस्ती में तब्दील हुआ और दोस्ती से होता होता मोहब्बत में बदल गया, अमूमन जिस तरह होता है। और फिर ये मोहब्बत का सिलसिला इस तरह चला कि ख्वाहिश दिलों में पैदा हुई कि हम शादी करेंगे। वालेकुम सलाम अरसान। ये सर थैंक यू स्पेशल हलवा है जो और कहीं नहीं मिलता, यहाँ पे बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आटा और ये देखे दही बल्ले भी शापर में पकड़े हुए हैं, गंडेरियाँ भी हैं, माल्टे भी हैं और हम पिकनिक भी मना रहे हैं और दूर फिर रहे हैं और हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चे। ये हमारे इलाके का सफ़ेद सुहाना हलवा है जो सिर्फ यहाँ पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। फिज़ा और रिहान के अंदर जब मोहब्बतों का सिलसिला बढ़ा तो ख्वाहिश दिल में पैदा हुई कि हम शादी करेंगे। रिहान एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था लेकिन तालीम में उसको इंटरेस्ट थी और उसका एक मिशन जो था पढ़ के एक बहुत अच्छी जॉब पे जाना और साथ में फिज़ा को हासिल करना। जिस फैमिली से रिहान का ताल्लुक था वो तकरीबन 6-7 बहन भाई थे, एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा। जो सबसे बड़ा भाई था रिहान का वो अपनी मर्ज़ी की रिहान की शादी करना चाहता था क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, वाहिद एक इनमें से भाई था जो रिहान था जो पढ़ाई की तरफ फोकस किए हुए था, पढ़ रहा था और वो अपनी मर्ज़ी की उसकी कहीं शादी करना चाहता था। रिहान फिज़ा से दिल दे बैठा था, फिज़ा को उसे शादी करना चाहता था, यहाँ तक कि तालीम के दरमियान ही कि उसको लग गया रिहान को कि भाई शायद मुझे शादी ना करने दे। उन दिनों वो CSS की तैयारी कर रहा था तो उसकी और फिज़ा की सादगी के साथ शादी हो गई। ये फिज़ा ने कंप्रोमाइज़ किया था क्योंकि फिज़ा एक खाती पीती फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखती थी, अच्छा खाना पीना था और रिहान एक गरीब घराने से, इस उम्मीद पे कि जॉब के बाद दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि दोनों पढ़ रहे थे। तो फैसला ये हुआ कि अभी फिज़ा अभी आर्जी तौर पे अपने माँ बाप के घर में रहेगी, रिहान जिनकी आजकल ट्रेनिंग चल रही थी कभी किसी जगह पे तो वो अपनी बीवी को साथ नहीं रख सकता था। बेइंतहा उसका जो बड़ा भाई था रिहान का उसकी मुखालफत के बावजूद वो रिश्ता हो तो गया था, शादी हो तो गई थी, लेकिन आज भी वो अहद किए हुए थे कि हम इस रिश्ते को ना सिर्फ तोड़वाएंगे बल्कि इन दोनों की आपस में अलहदगी करवा के मैं अपनी मर्ज़ी का, मैं मन पसंद का जो मैंने सोचा हुआ है वही रिश्ता करवाऊँगा। तो शादी के बाद से ही
रिहान की फैमिली की तरफ से वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए जिससे ये रिश्ता टूट सके। यहाँ तक के टूटने के अलावा वो जिस भी पीर फकीर ना, घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन भाई क्योंकि CSS कंप्लीट कर चुका था और एक अच्छी पोस्ट पे लगने वाला था, ट्रेनिंग उसकी चल रही थी, तो उस भाई को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे, इसलिए उनके पास जो भी थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो उन्होंने अमलियात पे लगानी शुरू कर दी, भाई के ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रिहान की जॉब हो गई और वो अपनी बीवी फिज़ा को घर के अंदर लेके आ गया। उस घर में फिज़ा आई तो सही, लेकिन ये देखे हैरान रह गई कि उस घर में वो अकेली नहीं थी, उससे पहले वो तमाम गरीब बहन भाई, रिहान नीचे शिफ्ट कर चुका था और वो जो डबल स्टोरी घर था जो सरकार, एक सरकारी एक बड़ा ओहदा था जो उसके पास रिहान के बाद CSS के बाद, उस बड़े सरकारी ओहदे के नतीजे में जो उसको बड़ा सा घर मिला था, तो वो नीचे पूरी उसके वो बहन भाई कब्ज़ा कर चुके थे, रिहाइश इख्तियार कर चुके थे, ऊपर वाला जो पोर्शन था उसने अपनी बीवी फिज़ा के लिए छोड़ा। अब फिज़ा दुखी भी थी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरी शादी में इतनी रोड़े अटकाए, मुखालफत की, आज मुझसे शिफ्ट होने से पहले ही नीचे कब्ज़ा करके ये लोग बैठ गए और मैं आज ऊपर कैद हूँ। शादी हो चुकी थी, फिज़ा कुर्बानी दे चुकी थी अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मोहब्बतों भरे दिन के लिए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो जो नीचे शिफ्ट हो गए थे, जो पहले ही जादू टोनों की तरफ लग के अब एक मुस्तकिल ऐसे आमिल को पकड़ चुके थे जो वाकई काले जादू में महारत रखता था, और वो जो कुछ उसको उन फैमिली को वो बता रहा था वो धड़ाधड़ किए जा रहे थे कि जल्दी से रिश्ता टूटे और भाई की अपनी मर्जी से शादी कर चुके। भाई का ना सिर्फ मिजाज बदलना शुरू हो गया बल्कि रिहान अपनी बीवी से एकदम खामखा किसी बात पे गुस्से में आ जाता। अब बीवी भी नोट कर रही थी कि उसका शौहर रिहान बदलता जा रहा है, उसका बिहेव बदलता जा रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को ऊपर इस तरह कैद किया कि उसको कहा कि तुम खिड़की क्यों खोल के बैठती हो। तो बीवी हैरान हुई, क्या कह रहे हो? उसने कहा मुझे भाई ने बताया है, जिसका लहजा पहले ही तल्ख हो चुका था, गुस्से हो चुका था अपनी बीवी से, उसने कहा मुझे पता है तुम खिड़की खोल के किसी को देखती रहती हो। तो बीवी के लिए धमाका था, लेकिन वो ज़हनी तौर पे तैयार हो चुकी थी कि मैंने क्योंकि फ़ैसला किया, मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ माँ बेटियों को कहा जाता है कि वही घर अब तुम्हारे लिए जीना मरना है, तो उसने कहा नहीं, मैंने अपने शौहर को नहीं छोड़ना, मेरी लव मैरिज है, मैंने मुकाबला करना इन तमाम लोगों का जो मेरे शौहर को बहका रहे हैं। और हालात यहाँ तक ख़राब हो गए कि उस फिज़ा को अपने कमरे में इस तरह ऊपर पोर्शन में कैद किया गया कि अब उसको अगर ठंडी हवा के लिए खिड़की भी खोलनी होती थी तो वो नीचे वाले हंसते और उसके शौहर को भड़काते कि फिर आपकी बीवी किसी और के साथ आँख मटक्का कर रही है। और बात तू तू से होती हुई, तू तकार से बढ़ती हुई हाथापाई तक जा पहुंची और शौहर ने पहली दफ़ा फिज़ा पे हाथ उठाया। फिज़ा ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत अपने शौहर के सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन शौहर ने अपनी बीवी को मारा, और ये पहली दफ़ा मारा तो था, लेकिन वो लोग जो नीचे अमलियात भी कर रहे थे और पंप भी कर रहे थे, अब यह मारने का सिलसिला मुस्तकिल शुरू हो गया। वो एक हफ़्ता घर से बाहर रहता, उसकी पोस्टिंग, उसकी जॉब इस तरह की थी, एक हफ़्ते बाद जब घर आता तो आते ही उसको बहन भाई इस तरह भड़काते कि वो गुस्सा होकर ऊपर जाता, बीवी से तू तकार करता और बात मार कुटाई पे ख़त्म होती। और एक दफ़ा उसने अपनी बीवी को इस तरह मारा कि उसके हाथ पाँव ज़ख्मी हो गए, मुँह से खून आने लगा। जब उसने देखा कि उसको बहुत शदीद वो मार चुका है, तो उसने अपने सेकंड नंबर का जो भाई था उसके बेटे से कहा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, और हॉस्पिटल में बकायदा फिज़ा 3-4 दिन उस पर इतनी चोटें आई थी मार की वजह से वो एडमिट रही। हॉस्पिटल के बेड पे मुसलसल सोच रही थी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं, ये ज़िंदगी किस मोड़ पे ले आई है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ख्वाब देखे थे खूबसूरत ज़िंदगी के, और आज बात गालम गलोज तू तकार से मार कुटाई के उस लेवल पे आ गई है कि मुझे इतना चोटें आई हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं क्या करूँ, इस शख्स को छोड़ दूँ या इसके साथ ज़िंदगी निभाऊँ। तो उसने उस दिन अहद किया, नहीं, छोड़ना बुजदली होगी, मुझे अपने शौहर को राह रास्त पे भी लाना है, और वो लोग जो इस मेरे घर को ख़राब कर रहे हैं उससे अपने शौहर की जान छुड़वा कर अपने घर को आबाद करना है। 3-4 दिन के बाद जब वो अपने घर पहुंची, क्योंकि उधर हॉस्पिटल में कभी कभार वही उसका
जो देवर था आता था, उसका शौहर नहीं आया वहाँ पर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने, लेकिन फिर भी वो फैसला कर चुकी थी कि मैं इसने रिहान के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी और अपने इस खुशियों भरा घर जिसकी मैंने ख्वाब देखे थे, इसको इस जहन्नम से जो इसके बहन भाइयों ने बना लिया है बचाना है। घर के उस पोर्शन में दोबारा ठीक सेहत याब होकर जब वो पहुंची तो एक और मंजर ही घर में उसका इंतज़ार कर रहा था। जगह जगह पे अब उसको जले हुए कागज़ मिलते थे, वो उन कागज़ों की तरफ देखती तो वो राख होती थी, वो उठाती तो वो राख नीचे गिर जाती थी। वो हैरान थी कि इन 4-5 दिनों में मैं हॉस्पिटल क्या गई कि मेरे ऊपर वाले पोर्शन में जगह जगह पे कागज़ किस तरह के हैं। और ये एक इतना लंबा टाइम पीरियड था कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने पहले फिज़ा को बेटी और फिर एक बेटा था कि अब वो एक माँ भी थी, बड़ी बेटी थी और छोटा बेटा भी। जब वो हॉस्पिटल से वापस आई, इतने दिनों वो अपने बच्चों के लिए तो हॉस्पिटल में परेशान थी, लेकिन सरकारी नौकरी थी शौहर की, बड़ी पोस्ट पे थे तो नौकर चाकर अर्दली और ये सब कुछ उसको मिला हुआ था। तो बच्चे नीचे वाले पोर्शन में जो उसके बहन भाई थे रिहान के, उनके पास रहे तो बच्चे खौफज़दा थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, माँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। जले जले टुकड़े जब फिज़ा को मिले तो वो परेशान हुई, माँ से डिस्कस किया, माँ ये क्या है। माँ उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो सब कुछ अपने माँ को बताती थी। और एक रात वो सोई हुई उठी तो बाहर से उसको स्मेल की आवाज़ आई, जैसे कुछ जला हुआ हो। वो तेज़ी से बाहर गई तो कोई तेज़ी से ऐसे गायब सा हुआ जैसे कोई था। उसने पीछा किया लेकिन कोई भी नहीं था। और वो जब उस जगह पे पहुंची तो वहाँ पे बे इंतहा कागज़ थे जो जले हुए थे, लेकिन जलाने वाला शायद अभी जला ही रहा था कि वो उस जगह पे पहुंच गई थी, इसलिए कुछ कागज़ जल चुके थे और जो जले नहीं थे वो टुकड़े उसने हाथ में उठाए तो उसको पता लगा कि वो कोई तावीज़ थे, उसके ऊपर कुछ अजीब व गरीब लिखा और शक्लें बनी हुई थी, जिससे उसको इतना अंदाज़ा हो गया कि ये कोई अमल किया गया है, ये कोई जादू के तावीज़ हैं। वो अपने शौहर को ये बात बताना चाहती थी लेकिन उसको पता था कि शौहर उसका शौहर नहीं रहा। हॉस्पिटल से ही वो फैसला करके आई है कि आज अगर मार पड़ी है तो इन नीचे वालों के कहने पे पड़ी है, और यही है नीचे वाले ही जो मेरे घर में जादू कर रहे हैं, मेरे ऊपर तावीज़ कर रहे हैं, मेरे शौहर को मुझसे छीन रहे हैं, मेरा शौहर ऐसा नहीं था। तो शौहर को बताऊंगी वो तो और मुझ पे गुस्सा करेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल से तो आ गई थी लेकिन शौहर ने अभी तक उससे बात नहीं की थी, उसकी खैरियत तक दरियाफ्त नहीं की थी। लेकिन वो बहादुर खातून आज भी डट के खड़ी हुई थी कि नहीं, मैंने जीना है, अपने घर को चलाना है, छोड़ना बुजदली है, अपने शौहर को वापस लाना है, इस चुंगल से हटाना है, छुड़वाना है इनके चुंगल से जो नीचे लोगों ने उसके ऊपर जादू की सूरत में कर रखा है। और आज तवीज़ जलाते हुए भी भागे इस जगह से, उसने वो राख उठाई और फ्लश में बहा दी, उतारे तवीज़ बहा दिए। लेकिन अब मंजर कुछ बदल रहा था। वो ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल थी, एक हिम्मत के साथ थी, बहादुरी के साथ थी, अब वहाँ पे अजीबो गरीब एक्टिविटी शुरू हो गई थी। उसको महसूस होता था जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई तेज़ी से गुजरा है। वो वहम का शिकार नहीं थी, वो पढ़ी लिखी खातून थी, वो इन बातों पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन तावीज़ात जब उसने आँखों से देखी और शेडो बकायदा तौर पर जब उसने देखने शुरू किए तो उसको लगा कि घर के अंदर कुछ एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, कोई जिन्नात हैं जो घर के अंदर अब फिर रहे हैं। रूटीन के हिसाब से एक दिन वो उठी, बच्चों को तैयार किया और स्कूल के लिए रवाना कर दिया। नौकर चाकर बहुत थे, बहुत सुबह सुबह उठी थी, ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बनाया था उसने, बच्चों को तैयार किया था उसने, और दोबारा से सो गई। वो सोई हुई थी कि उसकी आंख खुली जैसे कोई उसको बुला रहा हो, तो उसने आंखें खोली तो देखा उसका बेटा सामने खड़ा हुआ है और वो बेटा अपनी माँ को मुखातिब करके कह रहा है, मामा ये देखें ये देखें, और उसकी बेटी का नाम लेके कह रहा है, इसने मुझे मारा है, ये मुझे तंग कर रही है। तो एकदम से बोली, बेटा क्यों तंग कर रही हो अपने भाई को? तो बेटी आगे से खामोश रही, बेटा दोबारा से बोला, मामा इसने मुझे डांटा है, इसने मुझे तंग किया है, ये मुझे बार बार तंग कर रही है, मामा मेरे साथ इस तरह कर रही है। और माँ ने फिर बेटी को डांटा, क्यों करती हो इस तरह अपने भाई को तंग? तुम करती तो नहीं हो, कभी शिकायत तो नहीं है, तो आज क्यों करी उसको इस तरह तंग? मत करो इसको तंग। और वो एकदम से उठी
ताकि मैं फ्रेश हो सकूं, क्योंकि उसको सोते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वो जैसे ही उठी उसकी निगाह घड़ी पे पड़ी तो वो चौंक गई, क्योंकि घड़ी दिन के सुबह के 10:30 बज रही थी। तो हैरान हुई, क्या घड़ी रुक गई है या टाइम गलत है, बच्चे इतनी जल्दी स्कूल से कैसे वापस आ गए। तो उसने फौरी तौर पर घूम के बच्चों की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसको झटका सा लगा कि ये क्या था, क्योंकि ये उसका वहम नहीं था, बच्चे वहाँ पे थे, बच्चों ने उसको जगाया था। और बेटे ने 2 दफ़ा उससे मुखातिब होकर बात की थी, और बेटी ने भी कहा था मामा मैंने नहीं कुछ किया। घड़ी कह रही थी 10:30 थे। अब एक ही बात थी, या तो घड़ी का टाइम गलत है, सेल नहीं है, घड़ी रुक गई है, लेकिन दूसरा सवाल ये था फिर बच्चे गायब कैसे हो गए। वो एकदम से जल्दी से उठी और पूरे कमरों में ढूंढना शुरू हो गई, बच्चे कहीं पे नहीं थे। और दूसरी घड़ी पे देखा तो टाइम वाकई 10:30 का था। तो वो एकदम घबरा गई, डर गई। तो फिर वो कौन थे जो उसके बच्चों की शक्ल में आज उसके सामने आके खड़े हुए थे, यहाँ तक कि उनकी बच्चों की आवाज़ में उससे मुखातिब भी थे। अब उस घर में एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था कि हर तरफ उसको कोई ना कोई नज़र आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, वो अपने बेड पे बैठी हुई थी कि उसने महसूस किया कि सामने दीवार के उस कोने में, जहाँ पे इस तरह दीवार होती है, उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ है। तो उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा, माँ आपसे मैं हर बात शेयर करती हूँ, इस वक्त भी मेरे कमरे में ये सूरत हाल है, बच्चों वाला वाक्य आपको बता चुकी हूँ, अभी भी कोई सामने इस तरह 2-3 हैं, शेडो हैं मेरे कोने में, बकायदा खड़े हंस रहे हैं। माँ ने कहा फौरी तौर पर आयतल कुर्सी पढ़ो, पानी के ऊपर दम करो, चारों कुल पढ़ के पानी पर दम करके उस कोने में जा कर डालो। फौरी तौर पर उसने बोतल उठाई तो अभी भी वहीं पर खड़े हंस रहे थे। उसने पूरी पानी की बोतल के ऊपर आयतल कुर्सी और चारों कुल दम किए। वो पानी की बोतल उठा के फौरी तौर पे उस कोने पे पहुंची और वहाँ पर पानी का छिड़काव किया। तो वो मखलूक जैसे ही अभी वो छिड़काव करने लगी तो भाग के दूसरे कोने में पहुंच गई। दूसरे कोने में भी वो तेज़ी से गई और पानी फेंका तो वो तीसरे कोने में पहुंच गया, और तीसरे कोने से वो चौथे कोने में पहुंच गए, क्योंकि चारों कोनों में वो पानी डाल चुकी थी। अब वो परेशान हो गई क्योंकि वो मखलूक ऊपर छत पर इस तरह चिपकी हुई उस पर हंस रही थी, यहाँ तक कि उसने छत पर भी पानी फेंका तो कुछ सेकेंड के लिए वो वहाँ से गायब हो गई। अब वो डर चुकी थी, वो सहम गई थी, अब अजीब व गरीब सी हो गई थी, वो साइको होती जा रही थी, क्योंकि अमल करने वालों ने इतना शदीद काला जादू कर दिया था कि घर में हर तरफ चीज़ें ही चीज़ें थीं। वो बहुत परेशान थी, माँ से हर बात शेयर करती थी, लेकिन एक तब्दीली उसके अंदर ये आई थी कि कुरान मजीद को उसने उठा के अब सीने से लगा लिया था। हर वक्त उस मखलूक से खौफ की वजह से, डर की वजह से, अपना मुहाफिज जो अब उसका था वो कुरान मजीद था, जो हर वक्त उसके सीने के साथ लगा होता था। सीने पे ही कुरान मजीद को रखे रखे वो कहीं पे भी सो जाती थी। अब उसकी हरकतें ये हो गई थी, उसको वो मखलूक इतना डरा रही थी, वो शेडो, वो साए, वो इस हद तक सामने आ रहे थे। बाज़ूकात वो अकेली बच्चों को सुला के, अजीब सी, बच्चों का भी अब उसको ख्याल नहीं रहता था, कभी कभी सीढ़ियों में सो जाती थी, बेड के नीचे फर्श पर सो जाती थी, यहाँ तक कि कभी तो जाके बच्चों का जो बिस्तर लगा होता था उस पर इस तरह बेयानी में सो जाती थी कि बच्चे जगा रहे होते थे, मामा हमने उठना है, आप हमारे बेड पे सोई हैं। अब उसको अपना होश बिल्कुल नहीं था, वो इस हद तक दिमागी तौर पे परेशान हो गई थी कि अब वो बिल्कुल एक जहनी मरीज़ा बनती जा रही थी। एक दिन इसी तरह वो गनूदगी इसके से आलम में होती थी, हर वक्त बेहोशी की सी उसके अंदर एक तब्दीली सी होती थी, वो बेहोशी की तरह महसूस करती थी। कि एक दिन फिर उसको कुछ नज़र आया तो फौरी तौर पे उसने कुरान अपने सीने पे रखा और बाहर गई बैठने के लिए। सोफे पे ऐसे लेटी तो उसकी आंख लग गई, जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके 2 देवर, जिस तरह नमाज में कैप पहन के कोई इस तरह हाथ बंद के खड़ा होता है, तो इसी तरह वो अदब से बिल्कुल उसकी तरह मुँह करके ऐसे अदब से खड़े, आँखें बंद किए खड़े हुए। वो एकदम से डर के बैठ गई कि इन दोनों को क्या हुआ है, अगर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किस तरह की ये नमाज़ है, मेरी तरफ़ मुंह करके क्यों नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो जैसे ही खौफज़दा आलम में उठी तो उसने तेज़ी से कहा, क्या कर रहे हैं आप लोग ये। उसकी आंखों ने देखा वो गायब हो गए। वो तेज़ी से भागी, भागते हुए गलती से अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय दूसरे एक देवर के कमरे की तरफ नीचे चली गई। वो इतनी अजीब सी हुई हुई थी, उसको ये भी पता था मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन उसको समझ आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। जब वो अपने देवर के बिस्तर पे गई, बेड पे जाके बैठी, तो उसने देखा देवर सामने बैठा, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसके अंदर
वो जो वो लगा हुआ है पानी का, उसको वो बैठा ठीक कर रहा है। तो एकदम से उसने पीछे मुड़ के देखा कि भाभी उसके बिस्तर पे आके बैठी है। तो उसने पूछा, भाभी खैर है, क्या हुआ है? तो भाभी ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तेवर जो उस वक्त बैठा कुछ ठीक कर रहा था किसी नलके को, एकदम से उसकी आंखों के सामने उसने कहका लगाया और कहका लगाते ही गायब हो गया। फिर वो वहां से भागी चीखती चिल्लाती हुई, अपने कमरे तक आ गई। अब उसको एक बात पता था कि शायद मैं कम दिनों की मेहमान हूँ, ये मखलूक मुझे मार डालेगी, मैं अब ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहूँगी। वो हंसना शुरू हो गई, वो रोना शुरू हो गई, वो अजीब सी सूरत हाल में शुरू हो गई। शौहर को अब भी उसकी कोई परवाह नहीं थी, वो आता वीकेंड में एक रात के लिए और उससे बगैर कोई बात किए चला जाता। उसको जहनी मरीज़ा समझने लगा था, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। वो रिहान था ही नहीं जिसने उससे लव मैरिज की थी, वो बहुत बदल गया था। लेकिन अब उसको ख़ुद भी होश नहीं रहा था, वो ख़ुद भी बदल गई थी, एक जहनी मरीज़ा सी हो गई थी। बच्चे खुद परेशान थे, हमारी माँ के साथ क्या चल रहा है। आखिर ये सूरत हाल कब तक रहती? एक दिन वो बैठी हुई थी, आज दिमाग पे थोड़ी सी गनूदगी कम थी, आज वो उतना मदहोश नहीं थी। वो चीज़ें उसको मुसलसल अपने घर में नज़र आ रही थी, वो उसका वहम नहीं था। दरवाज़ों का खुद ब खुद खुल जाना, वॉशरूम की तरफ जाती थी तो कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खोल देता था, और जब वो अंदर दाखिल होती थी तो दरवाज़ा खुद बंद कर देता था क्योंकि वो कमरे में अकेली होती थी, लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा बंद कर देता था। नलके की तरफ हाथ बढ़ाती थी तो नलका कोई खोल देता था, नलके को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो नलका बंद हो जाता था। शुरू में किसी भी इंसान के साथ जब इस तरह का बिहेव होता है तो बेहोश होने के लिए, पागल होने के लिए, साइको होने के लिए, डरने के लिए इतना काफ़ी है, और ऐसा ही हुआ। जब उसके साथ ये सारी हरकतें हुई, दरवाज़े खुद ब खुद खुलना, बिस्तर पर लेटने के लिए लेटी है तो चादर किसी के हटा देना, और फिर उन्हीं दोनों एक वाकया जिससे वो शदीद अभी तक वो डर रही थी, चीखें मार रही थी दरवाज़ों के खुलने से, शावर के नलके के खुलने से, लेकिन अभी साइको नहीं हुई थी, एबनॉर्मल नहीं हुई थी। लेकिन एक रात जब वो अपने बिस्तर पे लेटी, करवट लेके लेटी हुई थी, दिन का टाइम था, बच्चे स्कूल में थे, तो उसके बिस्तर पे आके कोई बैठा और फिर लेट गया। अभी वो सोई नहीं थी, वो आंखें उसकी खुली हुई थी, तो उसने देखा कोई लेटा है बिस्तर पे, पहले आके बैठा है, मैट्रेस दबा है, उसके बाद कोई लेट गया। तो वो तेज़ी से पलटी, जब पलटी तो जिस हिस्से पे कोई बैठा था वो हिस्सा मैट्रेस का दबा हुआ था, नज़र आ रहा था कि जैसे कोई लेटा हुआ है, आंखों को नहीं नज़र आ रहा लेकिन उसकी वज़न की वजह से वो वाला हिस्सा जहाँ पे वो लेटा हुआ था बाकायदा शेप बनी हुई थी एक इंसान के लेटने की, और वो हिस्सा दबा हुआ था। जिस तरह इंसान किसी चीज़ पर लेटता है तो वो हिस्सा दब जाता है, तो वो मैट्रेस भी दबा हुआ था लेकिन कोई लेटा नहीं था। और उसकी शदीद चीख उस वक्त निकली उस लेटे हुए शख्स ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा, जब उसके कंधे पर बाकायदा हाथ टच हुआ तो फिर वो चीखना शुरू हो गई। वो एक ऐसा वाकया था जिसके बाद वो फिर एबनॉर्मल सी हो गई थी, गनूदगी की सी हालत में चली गई थी, कभी कहाँ लेट जाती, कभी कहाँ लेट जाती, कभी कहाँ बैठ जाती, कभी कहाँ सो जाती, कभी बच्चों के बेड पे सो जाती, यहाँ तक कि फिर उसको वो हाथ बांधे हुए खड़े भी नज़र आए तो उस वक्त भी वो गनूदगी की सी कैफियत में थी। वो बैठा ठीक कर रहा था बाथरूम में, उस वक्त भी वो गनूदगी की सी कैफियत में थी, लेकिन अब वो अजीब सी हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे डर, क्या उसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है तो डर की क्या परवाह। जब ये सब कुछ हो गया तो एक दिन उसने फैसला किया, मुझे इनसे बात करनी होगी। आज वो अपने आप को बहादुर फील कर रही थी, आज वो अपने आप को मजबूत फील कर रही थी। उसने अपने कमरों की सारी लाइट्स बुझा दी, ऊपर वाला पूरा पोर्शन उसने डार्क कर दिया, बच्चों को वो नीचे छोड़ के आ गई। उसके बच्चों के साथ भी बुरा बिहेव हो रहा था, कोई उसको परवाह करने को नहीं था। माँ जानती थी सारी सूरत हाल को, माँ मजबूर थी, माँ समझा सकती थी, यही कह सकती थी बेटा छोड़ के आ जाओ, लेकिन बेटी बजी थी, नहीं माँ मैंने अपने इस घर को इस तरह तोड़ना नहीं है। आज सारे घर की लाइट्स ऑफ थी, वो एक बुजदल सी लड़की जो डरती थी, जो चीखें मारती थी, जो कांपती थी, कोई भी इंसान उसकी जगह पे होता उसकी यही हालत होती, लेकिन आज वो बुजदल सी लड़की एक बहुत ही बहादुर लड़की बन के बैठी थी। आज पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी,
और वो अपना जी कड़क करके मजबूत होकर आज वो बैठी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हुई, तुम जो कोई भी हो मैं तुमसे डरती नहीं, आओ आज मेरे साथ आओ, मुझे पता है तुम मुझे बहुत पागल बना चुके हो, मुझे डरा चुके हो, मेरे साथ ये कर चुके हो, लेकिन आओ आज मेरे साथ आओ, मेरे सामने आओ, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता, तुमने बहुत मेरे घर को ख़राब कर दिया, तुम जो कोई भी हो आओ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो एक दीवानी सी होके, एक मजबूत सी होके, एक अजीब सी अंदाज में चीखे जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, हम कलाम थी उस जिन्नात से, उस मखलूक से जो उसको घर में नज़र आते थे, जो उसके बिस्तर पर लेटा था, वो एक नहीं था वो कई थे, खड़े हंसते थे। और एक दफ़ा तो वो कहती हैं ऐसा भी हुआ कि मैं शदीद रो रही थी अपने अल्लाह को याद करके, तो मेरे साथ कोई खड़ा था और वो भी रो रहा था। वो क्यों रो रहा था? वो कहती है मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैं तो रो रही थी, वो तो हंसते थे सब के सब, लेकिन वो एक ऐसा वाकया ज़रूर हुआ था जिस दिन कोई खड़ा मेरे साथ रो रहा था, वो भी सिसकियाँ भर के रो रहा था, मैं धाड़े मार के रो रही थी, तो उसकी सिसकियाँ निकल रही थी, जो ब्लैक सा शेडो था मेरे साथ खड़ा था, मैं कुछ सिसकियों के धाड़े मारते हुए खामोश होती थी, उसकी सिसकियाँ मुझे सुनाई देती थी, वरना सब हंसते थे। आज उन हंसने वालों से मुखातिब थी, जो हंसते हो आज आओ मेरे सामने आओ, मैं नहीं डरती तुमसे, आओ मेरे सामने आओ। तो वो कहती है मुझे खुशबू से आई लेकिन कोई सामने नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की कोई सामने आया नहीं आया, मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी आँख सी लगी, तो मेरी आँख सी लगी, गंडेरियाँ, ओह ग्रेट, लव यू बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप भी खा लो, दही भले छापर में खाएँ, ग्रेट, कमाल पिकनिक किए कि दही भले छापर में ही खाएँ, आज कुछ नहीं लेके आप लोग, यही तो मौके होते हैं ज़िंदगी में फ़न करने के। कभी बाबा को भी खिलाएं, ओके। वो सो गई, वो कहती है मेरी आंख लग गई, तो कुछ देर गुजरी थी कि किसी की आवाज़ आई, वो आवाज़ ऐसी थी कोई कोई इंसान नहीं, कोई और बोल रहा था, मेरी आंख खुली, अंधेरा घुप था, अभी तक कमरे में उसी तरह लाइट ऑफ थी, क्योंकि उनसे हम कलाम हुए जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चीखती रही, तो वहीं बैठे बैठे चीखते चीखते सो गई, और अभी जब किसी ने उसको आवाज़ दी तो उसकी आंखें खुली, उसने आंखें खोल के देखा पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन आज कोई था जो उसके सामने खुल के आया तो था, मुकम्मल नहीं अधूरा सा। आज उसके कमरे में सब तरफ आंखें ही आंखें थीं और कुछ भी नहीं था उस अंधेरे में, या तो वो इतना काला स्याह था कि अंधेरे के अंदर छुपा हुआ था, मिक्स हुआ हुआ था, नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हर तरफ लाल सी आंखें थीं जो बड़ी बड़ी आंखें थीं और ऐसे झपकती थी उसको देखती थी। तो उसने अपने इर्द गिर्द जहाँ जहाँ गर्दन घुमा के देखा तो हर तरफ आंखें उसको देख रही थी, वो बड़ी बड़ी काली, वो बड़ी बड़ी लाल सुर्ख अंगारों की तरह, कोयलों की तरह लाल सुर्ख आंखें उसको झपक रही थी और देखे जा रही थी। आज उसने उन सबको पहले भी देखा था, अपने बेटा बेटी के रूप में भी, अपने देवर्स के रूप में भी, आज वो सिर्फ आंखें झपका रहे थे और वो बहुत ज़्यादा थे जो उस कमरे में थे। उठी और वो धाड़ना शुरू हो गई, क्या चाहते हो तुम? आज वो इतनी मजबूत थी कि वो धाड़ रही थी उनके साथ, क्या चाहते हो तुम? तो आंखें वहीं रहीं, उसको देखती रहीं और उसके बाद गायब हो गई। काफ़ी देर जब वो बोलती रही, कोई भी नहीं बोला, तो उसने उठ के लाइट जलाई तो कोई भी नहीं था। अब उसके अंदर एक हौसला आ चुका था, खौफ ख़त्म हो चुका था, अपने घर को बचाने के लिए जो एक अज़म कर चुकी थी, उस अज़म के तहत अब वो बहादुर हो चुकी थी। एक रात वो लेटी हुई थी, वो जाग ही रही थी, किसी चीज़ ने उसकी ब्लैंकेट जो टांगों पे और उसके ऊपर ब्लैंकेट लेके लेटी थी, उसकी टांगों से किसी ने ब्लैंकेट घसीटना शुरू कर दिया, जिसने उसके टांगों से ब्लैंकेट घसीटा था वो उसकी टांगों वाले साइड पे मौजूद था, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लैंकेट घसीटते घसीटते नीचे ही गिरा दिया गया, बेड से नीचे गिर गया। अब फिज़ा ने देखा तो सामने एक मर्द और एक औरत खड़े हुए थे। मर्द और औरत इसलिए कि उनकी हाइट मर्द और औरत की तरह थी, लेकिन उन दोनों की जो सिचुएशन थी वो जले हुए जिस तरह चेहरे होते हैं, उन दोनों के जो हाथ थे वो ढांचे के जिस तरह हाथ होते हैं, ढांचा होता है हड्डियों का, वो इसी तरह हड्डियों के
हाथ थे, लेकिन किसी किसी जगह पे जिस्म भी था, गोश्त भी था, काला स्याह। चेहरे का भी यही हालत था, आधा हिस्सा ढांचा था और आधा हिस्सा जिस्म स्किन थी, गोश्त था, लेकिन गोश्त इस तरह था जैसे उसको आग लगाकर जला दिया गया और जला हुआ गोश्त, और बाकी जगह पे जो जला हुआ गोश्त नहीं था वहाँ पे ढांचा अंदर वाला खोपड़ी का नज़र आ रहा था। इस तरह का मंजर था कि जैसे उनके चेहरों को आग लगा दी गई हो, यह हिस्सा पूरा जलकर अंदर हड्डियाँ तक नज़र आ रही हैं और इस जगह पे थोड़ा सा गोश्त बच गया था। हाथों का भी यही हाल था, औरत का भी यही हाल था, मर्द का भी यही हाल था, और वो खड़े मुस्करा रहे थे। वो ढांचे जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा गोश्त जला हुआ काला स्याह गोश्त था, वो किसी भी इंसान को बेहोश करने के लिए, खौफजदा करने के लिए काफ़ी था, लेकिन जो हालात से थकते आज बहादुर हो चुकी थी, उसने उन दोनों की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम? बहुत नॉर्मल आवाज़ थी, लहजा सख्त नहीं था, ना हारा हुआ ना जीता हुआ, दरमियाना सा लहजा था, और उसे में एक सवाल था, क्या चाहते हो, बताओ मुझे, आखिर मुझसे क्या चाहते हो? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे पता है आज तुम अपना आप मेरे सामने ला ही गए हो, तुमने अपना आप मुझे दिखा ही दिया है, लेकिन इतना बता दो किसने तुम्हें भेजा है, चाहते क्या हो मुझसे? तो उसने कहा, तो उन दोनों में से औरत पहले बोली, तुम्हें नहीं पता हमें किसने भेजा है? तुम्हें पता है? हाँ, उन्होंने ही हमें भेजा है जिनको तुम भी जानती हो, उन्हीं के कहने पर ही हम यहाँ आए हैं। हम तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें तबाह हो बर्बाद कर देंगे। कवि बाबा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखिए जी, कवि बाबा ने, अनस मलिक ने मुझे ये दिया और अरसलान हाशिर ने सोहन हलवा दिया, फ्रेश है ये, ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। उसने कहा, क्या चाहते हो तुम मुझे आकर बताओ? हमने कहा, हम तुम्हें तबाह हो बर्बाद करना चाहते हैं, हमें किसने भेजा है तुम जानती हो वो कौन है? फिजा बोली, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो फिर उन दोनों ने कहका लगाया तो मर्द बोला, हम तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अब यही हमारा घर है, अब हम तुम्हारे साथ ही रहते हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ना तुम्हें जीने देंगे ना तुम्हें मरने देंगे। हम आए तो थे तुम्हें मारने के लिए, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ रहते हैं, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तुम हमें अच्छी लगती हो। तो वो बे इंतहा जारो कतार रोना शुरू हो गई और कहा, निकल जाओ मेरे घर से, मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दो मेरे घर को, चले जाओ तुम, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम मेरा घर बर्बाद नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, निकल जाओ यहां से। वो दोनों कहका लगाते हुए वहां से उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गए। उसने ये सारा वाकया अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटा अब एक काम करो, हर वक्त घर में कुरान मजीद की तिलावत लगा के रखो। और उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, हर वक्त घर में कुरान मजीद की तिलावत लगा कर रखती। कुरान मजीद आज भी उसके सीने के साथ लगा होता, वो इस तरह चिपकाए हुए होती थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि अब हर तरफ तिलावत ही तिलावत होती, सूरह बकरा की हर वक्त घर में तिलावत लगी होती। तो उससे ये फ़र्क पड़ा कि घर के अंदर एक्टिविटी जिस तरह पहले होती थी, ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन कम होनी शुरू हो गई। अब उसको वो मखलूक तंग भी नहीं करती थी, नज़र भी नहीं आती थी, लेकिन मसला अब एक और खड़ा हो गया था। अब उसका बेटा और बेटी उस जली हुई औरत और उस मर्द को देखना शुरू हो गए थे और अपनी माँ से उन्होंने ज़िक्र किया कि हमने उसको देखा है, एक डाइन है, एक बला है, एक फलां है। तो माँ ने पूछा, कैसा है वो? तो उसने कहा, ये हुलिया है उस औरत का और ये हुलिया उस मर्द का। तो वो समझ गई ये उन दोनों की ही बात कर रहा है बच्चा जिनको मैंने देखा था, जिन्होंने मुझसे कहा था हम किसी के, तुम जानती हो कौन है जिसने हमें भेजा है? उनका इशारा रेहान के बड़े भाई की तरफ था, उसकी रेहान की फैमिली की तरफ था कि उन्होंने हमें भेजा है। और बेटी भी अब जिस चीज़ को देख रही थी तो वो वही औरत और मर्द थे, जले हुए चेहरों वाले,
और उन्हें यह जिक्र अपने बाप से भी करना शुरू कर दिया। जब बेटे ने बाप से जाके कहा, पापा मुझे इस तरह की कोई औरत और इस तरह के मर्द नज़र आते हैं, उनके चेहरा इस तरह जला होता है और ये होता है ये होता है, तो वो बाप जो बीवी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता था, रिहान जो फिज़ा को बिल्कुल नहीं पूछता था, उसको ज़हनी मरीज़ा समझता था, एक उससे अजीब सा हो चुका था, लेकिन अब वो अपने बच्चे की बात सुन के चौंक पड़ा कि बच्चा भी वही बात कर रहा है। और जब मुसलसल बेटा और बेटी बाप के साथ वही बातें करने लगे कि चीखें मारते हुए आते, जब कभी बाप घर में होता उनके साथ मुसलसल ऐसा हो रहा था जो बीवी की बात नहीं सुनता था, तो अब बच्चों को जब वो मुसलसल चीज़ें नज़र आ रही थी, तंग कर रही थी, तो बाप भी अलर्ट हो गया और बाप को लगा नहीं, अब हालात बीवी से होते हुए बच्चों की तरफ भी आ गए हैं। वो जो बीवी अपने शौहर को बता बता के थक गई थी, जिसको वो यकीन करने को तैयार नहीं था, उसका वहम उसको पागल जनूनी और वहमी समझता था, तो अब उसको यकीन आ गया कि बच्चे गलत बयानी नहीं कर रहे, बच्चे झूठ नहीं कह रहे, वाकई मेरे बच्चों को कुछ नज़र आ रहा है। अब उसको सोचना पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए, बात बहुत बढ़ चुकी थी। अल्लाह ताला ने एक ऐसा काम किया कि मियां और बीवी के बीच में जो नफ़रत और बहुत ज़्यादा दूरी हो गई थी, वहाँ जो सूरह बकरा की हर वक्त की तिलावत थी उस घर के अंदर, उसने इस हद तक भी तब्दीली कर दी कि शौहर जो बिल्कुल बीवी से पूछता भी नहीं था, बात तक नहीं करता था, अब वही रेहान अपनी बीवी से बात भी करना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा बीवी का ख्याल भी रखना शुरू हो गया। उस कुरान मजीद की तिलावत की वजह से, जिसकी आवाज़ हर वक्त उस रिहान के भी कानों में जाती थी, जिसको वो पहले शुरू शुरू में तो उसने कहा क्यों ये लगा के रखते हो, मना करने लगा, लेकिन बाद में वो ख़ुद भी सुनने लगा, और जैसे जैसे उसके कानों में ये आवाज़ जाने लगी तो वो नरम पड़ने लगा, धीमा पड़ने लगा, उसका मिजाज बदलने लगा, वो सख्ती जो थी बीवी के साथ वो हल्का हल्का नरमी में बदलने लगी। लेकिन जब बच्चों ने भी बताना शुरू कर दिया कि हमारे साथ भी ये हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कुरान मजीद की तिलावत की वजह से नॉर्मल हो रहा था, तो बच्चों की वजह से परेशान भी हो गया। बच्चों के साथ आगे क्या हुआ, बच्चों ने आगे क्या देखा, और फिर सारा कुछ क्या हुआ, इसको मैं पार्ट टू के लिए रखता हूँ। एक और भी इसका मैं आपको पार्ट टू सुनाऊँगा, क्योंकि अब फिज़ा के साथ मामला बहुत बेहतर हो गए थे, शौहर का ताल्लुक भी बहुत अच्छा हो गया था, और वो चीज़ें भी अब फिज़ा को नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो चीज़ें अब बच्चों को नज़र आ रही थी। और मज़े की बात यह है, उन बच्चों की तस्वीरें, फिज़ा की तस्वीर, उनके हस्बैंड की तस्वीर, खैर इसको भी मैं राज रहने देता हूँ, उन बच्चों के साथ अब भी मामलात हैं, बेटी के साथ भी, बेटे के साथ अब भी वाकई मामलात हैं। मेरे पास आपके सवाल प्रोग्राम में तस्वीरें, मैं बता देता हूँ, भेजी गई थी, मैंने प्रोग्राम में शामिल नहीं की थी, लेकिन उनको मैंने यही बात बताई थी कि आपके साथ शदीद जिन्नात अटैच हैं, नेगेटिव एनर्जी शदीद है, आपको नज़र आते हैं, आपके बच्चों को भी नज़र आते हैं, उनके साथ भी अटैच हैं, और उनको मैंने सारा कुछ बता दिया था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपने 110% ठीक बताया, बच्चे यहीं पे रहना, 110% ठीक बताया है आपने, बिल्कुल ऐसा ही। और वो हैरान हुई थी कि आपको कैसे पता लग गया, मैंने कहा बस पता लग गया, और उन्होंने कहा राज रोही टीवी के दौर से ही मैं देखती आ रही हूँ, मैंने कभी किसी आमिल से, किसी स्पिरिचुअल स्कॉलर से रब्ता नहीं किया, तो मैं पहली दफ़ा आपसे रब्ता कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा है आप मेरी सगी बहन की तरह हैं, इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, ये मामला ठीक हो जाएगा, और मैं दिल से ना सिर्फ उनकी इज्जत करता हूँ, बल्कि वाकई वाज से दिल से, उसी लम्हे से जब मैंने उनसे वादा किया था, मेरी सगी बहन है, और फिज़ा बहन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी मुझे हिम्मत और ताकत दी है, तो मैं उस रब कायनात की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे बस में जो हुआ मैं ज़रूर करूँगा, और ये वादा रहा, आप, आपकी बेटी, आपका बेटा, ये मखलूक कभी भी इस दोबारा ज़िंदगी में आपके करीब नहीं आएगी, और आपका वो हंसता बसता घर जिसको आज इस खौफनाक अंदाज में ला के खड़ा कर दिया गया है, इंशाल्लाह वो भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और मेरा इंशाल्लाह आपसे मुसलसल रब्ता रहेगा। सो इनकी जो दो और कहानियां हैं, जो सच्ची कहानियां जो इनके साथ बीती है सारा कुछ, क्योंकि उसके बाद नॉर्मल होने के बाद फिर ये जहाँ जहाँ भी गए, इनकी एक सरकारी जॉब है, शौहर की अच्छी पोस्ट है, तो वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ पे गए, वहाँ वहाँ पे क्या हुआ इनके साथ, बच्चों के साथ, इनके साथ, वो इंशाल्लाह पार्ट टू में मैं आपको सुनाऊंगा। सो ये थी आज की स्टोरी, जो एक सच्ची कहानी है। ढेर सारी दुआएं फिज़ा बहन आपके लिए, लव यू सो मच, बच्चों के लिए, आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी बहन को।
कभी भी हिम्मत ना हारिएगा। आपने हिम्मत नहीं हारी तो आज आपका घर काफ़ी हद तक बेहतर हो भी चुका है, और करने वाले जो है ये मेरा वादा रहा इंशाल्लाह उनको मैं सबक सिखाऊंगा। अल्लाह की पकड़ आएगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ करूंगा, आपका इलाज करूंगा, ये वादा है इंशाल्लाह उनके साथ। अल्लाह की पकड़ आएगी और ऐसी खौफनाक पकड़ आएगी कि दुनिया उनका तमाशा देखेगी। रब्बे कायनात का ये वादा है कि ऐ मेरे इंसान, ऐ मेरे बशर, तू मुझ पर यकीन कामिल कर, मैं तुझे दूंगा। तो बस आपका जो यकीन कामिल था कि रब मेरा घर बचाएगा, तो आपका घर इंशाल्लाह बच भी गया और आगे मजबूत होगा, मोहब्बतों भरा होगा। सो आज की स्टोरी में इतना कहूँगा, इनकी अगला स्टोरी भी इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊँगा, और आप भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड कीजिए mmtvraz@gmail.com mmtvraz@gmail.com इस पर सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर ये है, जो बाहर मुल्क से हैं वो +92, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 के बाद 6665500। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 5500। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 5500। और जो पाकिस्तान से मुझे कॉल मिलाएंगे वो 0313 66 5500। इस पर आप कहानी मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जब तक कि आपकी मैं स्टोरी प्रोग्राम में शामिल ना करूं, आपने लिखा हुआ या वॉइस मैसेज डिलीट नहीं करना। तो आज की इस स्टोरी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, इस नेक ख्वाहिशात के साथ, इन नेक दुआओं के साथ। अल्लाह ताला इस मेरी तमाम फैमिली को जिस वक्त बैठी मुझे स्क्रीन पे देख रही है, ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सब पे ना सिर्फ हमेशा अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो, बल्कि हमेशा बरकतें नाजिल हों, रहमतें नाजिल हों, कभी किसी की मोहताजी ना हो, वो राज़िक आपको रिस्क देता रहे और खुशियाँ देता रहे। आमीन सुम आमीन। फिज़ा बहन के लिए भी सब से रिक्वेस्ट करूँगा दिल से, इन मज़बूत ख़ातून के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनके घर को खुशियों का गहवारा बना दे। मेरी भी दिल से दुआ है, आप भी मेरी इस बहन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।